So, दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को OnePlus Nord C3 Lite का फुल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। इस स्मार्टफोन को बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, साथ में मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा और इंडिया मार्केट में आपको कब से अवेलेबल होने वाली है, सारी चीजें दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा अगर आप भी OnePlus Nord C3 Lite लेने की सोच रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बात कर लेते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो आपको 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल रही है 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ, जिसमें आपको 401 PPI की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है, 800 nits के आपको पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाती है और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आपको ड्रैगन ट्रेल की जो है प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। सो डिस्प्ले तो दोस्तों आपको अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डिस्प्ले थोड़ी और बेटर हो सकती थी। सो दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की आपको परफॉर्मेंस कैसी मिलने वाली है। इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की अगर दोस्तों बात कर लिया जाए तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 की प्रोसेसर देखने को मिलती है, जिसके साथ 8GB रैम 128GB की स्टोरेज वेरिएंट आपको देखने को मिल जाती है और ये स्मार्टफोन जो है आपको 100% 13 पे वर्क करती है। सो दोस्तों बात कर लेते हैं अभी स्मार्टफोन की कैमरे की, तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलती है, जिसमें 108 मेगापिक्सल की आपकी प्राइमरी सेंसर है और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात कर लिया जाए तो 5000 mAh की बैटरी के साथ आती है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको 67 वाट की फास्ट चार्जर इन दी बॉक्स देखने को मिलती है। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस सेगमेंट की, तो आपको बेस वेरिएंट की जो प्राइस सेगमेंट है 19,999 में देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन अवेलेबल कब से होने वाली है, तो 11 अप्रैल से जो है आपको ये स्मार्टफोन अवेलेबल होने वाली है। इस स्मार्टफोन की पहली सेल जो है आपको 11 अप्रैल से देखने को मिल जाएगी। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन को बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप फोटोग्राफी के लिए स्पेशली स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाती है, नहीं तो आपको जो है डिस्प्ले इसमें थोड़ी और बेटर देखने को मिल सकती थी और परफॉर्मेंस भी जो है आपको उस लेवल की देखने को नहीं मिलेगी जो कि इसकी प्राइस सेगमेंट है। 20,000 रुपीज के अराउंड में आपको अदर ब्रांड में एमोलेड और सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है और परफॉर्मेंस के लिए आपको प्रोसेसर भी जो है इससे अच्छी बेटर देखने को मिल जाती है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए सूर्यानंद भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन में जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इंफॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना कर सके। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।